बल्कि पीछे की तरफ जाना है। अब अगले दिन जब रेस स्टार्ट होती है तो हर बार की तरह सारे खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन परजीवल आगे ना जाकर अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ तेजी से भगाने लगता है। और इससे पहले कि वो पीछे की दीवार से टकरा जाता, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और परजीवल उस रास्ते से होते हुए उस गोरिल्ला के नीचे से फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है। और वहाँ पे उसके सामने हैलिडे का गेम कैरेक्टर आता है और वो परजीवल को उसकी पहली चाबी देता है और साथ ही उसे अगले चाबी तक पहुँचने का एक क्लू भी देता है, जिस पर लिखा होता है कि एक क्रिएटर जिसे अपनी क्रिएशन से नफरत थी। इसके बाद परजीवल पहले चाबी तक पहुंचने का रास्ता आर्टिमीज और अपने बाकी के दोस्तों को बता देता है। पर जब IOI कंपनी के CEO को ये बात पता चलती है कि कोई परजीवल नाम का लड़का पहला चाबी को हासिल करने में कामयाब हो गया है, तो वो भी गेम में आ जाता है और वो गेम के एक खतरनाक कैरेक्टर को परजीवल की रियल आइडेंटिटी पता करने को कहता है, जिससे वो परजीवल को रियल लाइफ में मार सके। इधर हम परजीवल को देखते हैं जो एक बार फिर से गेम में वापस आता है और वो आर्टेमिस के साथ दूसरे चाबी तक पहुंचने का क्लू खोजने की कोशिश करता है। वो दोनों